अयोध्या में पत्रकारों के सवाल पर पवन पांडे का अजीबोगरीब जवाब। व्यापारियों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किस सड़क पर उतरे? सड़क पर तो मलबा है, सड़क पर तो बुलडोजर है, हम सड़क पर उतरने के लिए डर नहीं रहे हैं। किस कमरे में छुपे हैं हम? हम तो व्यापारियों के पक्ष की बात ही कर रहे हैं। आंदोलन करने लायक सड़क बची ही नहीं है, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया पर ही निकाली भड़ास, जितना आप लोग भाजपा को दिखाते हो उतना अयोध्या के व्यापारियों को दर्द दिखा दो, उतना अयोध्या के व्यापारियों का दर्द दिखा दो। बगैर सड़क पर उतरे ही व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, व्यापारियों को सही मुआवजा मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखिए, भाजपा के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिन्होंने नून रोटी खाकर सरकार बनवाई वह नहीं दिख रहे हैं। किसी व्यापारी से मिलने नहीं गया भाजपा नेता। आज अयोध्या में व्यापारी समाज का लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आज जब अयोध्या का व्यापारी इतनी बुरी स्थिति में है कि उसका मकान और दुकान जा रहा है, उसके कारोबार पर, उसके जीवन के सपनों पर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और केवल 75,00,000 1.5 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, जिससे वो दोबारा अपने व्यापार को स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे बुरे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं वो व्यापारियों के साथ लूट कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।